पावर्ड बाय आईटेल। भारत में जिसे हम ध्यान कहते हैं, वही कॉन्सेप्ट जब भारत से चीन चला गया तो कहलाया चेन, और वहां से जापान पहुंचकर बन गया ज़ेन। ध्यान को भारत से चीन ले जाने वाले शख्स का नाम था बोधिधर्मा। जापान में इन्हें दारुमा के नाम से जाना गया। अब इन्हीं बोधिधर्मा के बारे में चीन और जापान की लोक कथाओं में जिक्र मिलता है कि उन्होंने कई सालों तक गुफा में बैठकर ध्यान लगाया और जब एकाग्र होने में असफल रहे तो अपनी पलकें उखाड़कर ज़मीन में फेंक दी। कहानी कहती है कि इन्हीं पलकों से पहली बार चाय के पौधे निकले, जिसके चलते चाय को चीन और जापान में एक अलग आध्यात्मिक रुतबा हासिल हुआ। जापान के इतिहास में आप खास टी मास्टर्स की कहानियां सुनेंगे, जो चाय बनाने का एक खास आध्यात्मिक अनुष्ठान किया करते थे, जिन्हें टी सेरेमनी कहा जाता था। इन्हीं कारणों के चलते सैकड़ों सालों तक जापान में चाय लोगों का पसंदीदा पेय रही, कॉफ़ी के आगमन के दशकों बाद भी। बाकायदा 1970 के दशक तक जापान के लोग कॉफ़ी पर चाय को ही तरजीह देते रहे, लेकिन फिर आई एक कंपनी जिसने एक ऐसा दांव चला कि जापान के लोग कॉफ़ी के दीवाने हो गए। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज सुनाएंगे किस्सा एक ब्रिलियंट मार्केटिंग कैंपेन का। किस्से की शुरुआत होती है यूरोप से। कहते हैं कि जब यूरोप में पहली बार कॉफ़ी का आगमन हुआ और लोग इसे पसंद करने लगे, चर्च ने कॉफ़ी पर बैन लगाया। वजह बताई गई कि कॉफ़ी से सुरूर होता है, नशा होता है। हालांकि असली कारण दूसरा था। दरअसल कॉफ़ी की खोज मिडिल ईस्ट में हुई थी, इसलिए चर्च ने इसे मुस्लिम ड्रिंक मानकर कॉफ़ी पर बैन लगा दिया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च के एक पोप हुए क्लिमेंट 8वें। एक रोज़ इत्तेफाक से किसी ने उन्हें कॉफ़ी दे दी और अनजाने में पोप ने पी भी ली, मुस्लिम ड्रिंक। कॉफ़ी पीकर पोप को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने तुरंत कॉफ़ी पर बैन हटाते हुए इसे ईसाई ड्रिंक डिक्लेयर कर दिया। मतलब किसी खान पान को किसी धर्म विशेष से जोड़ने पर एकाधिकार हमारा नहीं है। ये यूरोप में भी होता है। कॉफ़ी आगे चलकर इतनी फेमस हुई कि आज भी यूरोप की 56% जनता कॉफ़ी पसंद करती है, जबकि 27% जनता को चाय ज़्यादा पसंद है। यूरोप के अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड की एक और बड़ी ताकत है अमेरिका। वहाँ भी कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। यूरोप और अमेरिका में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, कॉफ़ी को भी बाकी तमाम चीज़ों की तरह निर्यात किया गया। कॉफ़ी ने तमाम देशों में अपनी जगह बनाई, लेकिन एक देश था जो कॉफ़ी से 1970 तक मरहूम रहा। जापान में पहली बार कॉफ़ी 1700 में ही आ गई थी, यानी 18वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में। डच ट्रेडर्स इसे लेकर आए, लेकिन जैसा हमने पहले बताया, जापान के लोगों के लिए चाय का विशेष महत्व था, इसलिए कॉफ़ी जापान में पनपी नहीं, चलन में नहीं आई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो जापान ने कॉफ़ी पर बैन ही लगाया, क्योंकि जैसा हमें पता है कॉफ़ी पश्चिमी देशों से आयात की जाती थी और जापान उनसे लड़ाई लड़ता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद जापान और पश्चिम के रिश्ते सुधरे भी। 1950 में कॉफ़ी पर बैन हटा, लेकिन इसके बावजूद अगले 2 दशक तक जापान में कॉफ़ी की बिक्री नाम मात्र चली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉफ़ी की कई बड़ी कंपनीज ने जापान में इस उम्मीद में इन्वेस्ट किया कि भारी मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि तब तक चल नहीं रही थी वहाँ। लेकिन 2 दशक की कोशिश के बाद भी सब फेल रहे। असफलता ऐसी रही कि कई कंपनीज को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ा जापान से। इन कंपनीज में से एक का नाम था नेस्ले, जो आज भी दुनिया में कॉफ़ी के बड़े ब्रांड्स में से एक है। नेस्ले की शुरुआत 1866 में हुई थी, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ कॉफ़ी नहीं बनाती है, बेबी फूड से अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली ये कंपनी साल 1905 में एक एंग्लो स्विस कंपनी में मर्ज हुई और कुछ ही सालों में कंपनी का कारोबार अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया। पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले का दौर कंपनी के लिए पहले इपॉक, मतलब ब्यूटीफुल एज जैसा रहा। 1914 से लेकर 1918 तक, यानी पहले विश्व युद्ध के टाइम भी कंपनी खूब फली फूली। हालांकि 1919 से 1938 तक दुनिया की हालत अच्छी नहीं थी, मगर कंपनी ने साल 1921 में नेस्कैफे इस नाम से कॉफ़ी के एक ब्रांड को लॉन्च किया। ये कंपनी का सुपरहिट प्रोडक्ट साबित हुआ, जिसे लेकर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान समेत अमेरिकी और यूरोप के दूसरे मार्केट्स में दाखिल हुए। विश्व युद्ध के बाद पश्चिम की कई कंपनियों को जापान में बहुत उम्मीदें नज़र आ रही थी। नेस्ले को भी अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट नेस्कैफे से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बड़ा बिजनेस तो दूर की बात, जापान वासी इसका एक घूंट भी भरने को तैयार नहीं थे।
नेस्कैफे कहो या दूसरी कोई कॉफ़ी कहो। इसकी वजह इस देश का चाय प्रेमी होना था, सामने बताया। जापान में चाय को कोई पेय पदार्थ नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा माना जाता था। अलग अलग नए नए नायाब तरह के टी पॉट्स आते हैं। हालांकि फिर भी नेस्ले ने हार मानी नहीं, हाथ पांव मारते रहे। नेस्ले ने हर जतन किया, जापान के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाया, खूब विज्ञापन दिए, फ्री सैंपल बांटे और कीमत भी बहुत कम रखी। मगर सब कुछ करके देखने के बाद भी कॉफ़ी के लिए काफ़ी नहीं पड़ा कुछ भी। साल तो छोड़िए, दशक के दशक बीत गए, लेकिन जापान और चाय का प्रेम चलता रहा। और कोई कंपनी होती तो कहती कि हो गया आप चलते हैं, लेकिन नेस्ले डटी रही। उसका एक कारण ये भी है कि डीप पॉकेट्स थे। नेस्ले ने 1975 में मशहूर साइको एनालिस्ट क्लोटेर रपेल को जापान बुलाया। साइको एनालिस्ट का मतलब वो व्यक्ति जो इंसानों के मनोभावों को समझने की कोशिश करता है। क्लोटेर इस विधा के ज्ञानी थे और साथ में लोगों के अपने कल्चर को लेकर जो तगड़े इमोशन होते हैं उसको समझने में भी उनकी मास्टरी थी। उन्होंने कुछ जापानियों को इकट्ठा किया और बढ़िया से म्यूज़िक के साथ उनकी बचपन की मेमोरी को याद करने को कहा। हर किसी ने अलग अलग चीज़ों से अपने जुड़ाव की बात बताई। अब ये गेस करना बहुत ईजी है कि जहाँ भी पेय पदार्थ की बात आई सब ने चाय का नाम लिया, सिर्फ और सिर्फ। कॉफ़ी कहीं नहीं थी क्योंकि उसका टेस्ट भी नहीं किया था। बिल्कुल माँ के हाथ के स्वाद जैसी ही ये डील थी। हमें भी वो स्वाद कभी नहीं भूलता है। जापानियों के लिए कॉफ़ी मतलब पश्चिम से आए कोई पेय पदार्थ था, बाहरी पदार्थ था। कहने को उन्होंने अपने दरवाजे खोले तो थे मगर पर्दा नहीं हटाया था, मन से नहीं अपनाया था। अब नेस्ले के लिए ये काफ़ी बड़ा झटका था। हालांकि क्लोटेर रपेल इसको एक ज़बरदस्त आइडिया मानते थे। उन्होंने कंपनी को बताया कि जब तक जापान की जड़ों में कॉफ़ी नहीं आएगी तब तक कोई प्रयास काफ़ी नहीं। नेस्ले को भी बात समझ में आई। कंपनी ने तय किया कि वयस्कों से पहले बच्चों से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कंपनी ने कॉफ़ी फ्लेवर वाली कैंडी की झड़ी लगाई। हर जगह जहां बच्चे होते वहां कंपनी की कई कॉफ़ी फ्लेवर वाली कैंडीज नज़र आने लगी। मामला जमने लगा और ये वाला आइडिया काम करने लगा। बड़े होते बच्चों की ज़ुबान पर कॉफ़ी का फ्लेवर इस तरह चढ़ा। हालांकि इसमें भी एक दशक लगा ही, लेकिन 1985 आते आते उस दौर के जापानी युवा कॉफ़ी पीने लगे क्योंकि उनकी बचपन की याद में शामिल थी कॉफ़ी। टॉफी से आई कॉफ़ी, लेकिन अब असली कॉफ़ी। जब बच्चे कॉफ़ी पीने लगे तो फिर बड़े बुजुर्ग भी हुल्लू हुल्लू इसका घूंट भरने लगे। आज की तारीख में जापान 500,000 टन से ज़्यादा कॉफ़ी आयात करता है। बताने की ज़रूरत नहीं कि नेस्ले इस बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। नेस्ले की स्ट्रैटेजी को मॉडर्न ज़माने की सबसे सफल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में गिना जाता है। कॉफ़ी की इस दिलचस्प कहानी को आपके लिए संकलित किया था हमारे साथी सूर्यकांत ने और इसे रिकॉर्ड किया था मयंक ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।